हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो का नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग इन एमएल, इन शॉर्ट फॉर्म वेल राइट इन एमएल। ओके, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मेनली यूज फॉर क्लासिफिकेशन टास्क where the goal is to predict the probability that an instance of belonging to give a class or not, like whether it is belonging to this given class or not. To justify it, we use this logistic regression. It is a powerful tool for decision making, for example email spam or not, or some another examples are there. So logistic regression is a supervised machine learning algorithm mainly used for classification tasks where the goal is to predict the probability that an instance of belonging to a given class. It is used for classification algorithm. Its name is logistic regression. इसका जो नाम है ना वो logistic regression है, लेकिन ये use होता है classification algorithm के लिए। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये use होता है, guys confuse मत हो ना, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के लिए यूज होता है। दो, इसका नाम जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, एल्गोरिदम का नाम जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लेकिन ये जो यूज होता है ना वो क्लासिफिकेशन के अंडर में होता है। ठीक है, सो इट्स रेफर्ड टू एज अ रिग्रेशन बिकॉज इट टेक्स द आउटपुट ऑफ द लीनियर रिग्रेशन फंक्शन एज इनपुट एंड यूजेस सिग्मॉइड फंक्शन टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द गिवन क्लास। अब इसका नाम रिग्रेशन पड़ा तो पड़ा क्यों, यही जो कारण है जिसकी वजह से इसका नाम ये पड़ा, क्योंकि जो इनपुट लेता है ये जो आउटपुट, जो आउटपुट है लीनियर रिग्रेशन का, जो लीनियर रिग्रेशन का जो आउटपुट आता है, असल में जो लीनियर रिग्रेशन है उसका जो आउटपुट आता है, इसका जो आउटपुट है उसको एज ए इनपुट लेता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, वो इसको एज ए इनपुट लेता है, ठीक है, और यूज करता है, ये यूज करता है सिग्मोइड फंक्शन एज ए एक्टिवेशन फंक्शन, ये यूज करता है सिग्मोइड फंक्शन को ये यूज करता है, ठीक है, और फिर बाद में जो आउटपुट है वो जनरेट करता है। तो यहां से इसका जो आउटपुट है वो इसका क्या बन गया, इनपुट बन गया। सो इनपुट लिया इसने लीनियर रिग्रेशन से और आउटपुट जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ सिग्मोइड फंक्शन। ओके, किसके लिए, गिवन क्लास की को बताने के लिए, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, गिवन क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपका एक डॉग है, वो डॉग की क्या प्रोबेबिलिटी, ये फोटो की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डॉग है, ठीक है, तो वो कह देगा कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, कुछ इस तरीके से। द डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज दैट लीनियर रिग्रेशन आउटपुट इज द कंटिन्यूअस वैल्यू। जो लीनियर रिग्रेशन का जो आउटपुट है वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू है। सो लीनियर रिग्रेशन का जो वो है आउटपुट है वो तो है कंटिन्यूअस वैल्यू है, ठीक है, और वही जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो आउटपुट है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो आउटपुट है वो है एक, मतलब कि यस और नो में, या तो जीरो या तो वन, एक डिस्क्रीट वैल्यू है इसकी, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म में कि वेदर इट बिलोंग्स टू दिस क्लास और नॉट। ओके, कुछ इस फॉर्म में। सो टर्मिनोलॉजीज जो इससे इन्वॉल्व है इसके अंदर हैं, कुछ कुछ इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको हम कुछ इसके बज वर्ड्स देख लेते हैं, उनको लिटरली हम बोलते हैं बज वर्ड्स, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से बजवर्ड्स है। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें पता ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है भाई, ठीक है, जो एक्स एक्सेस एक्स फीचर्स होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रेडिक्टर फैक्टर्स हो गए, जो कि एज ए इनपुट हम देते हैं, ठीक है, इसके लिए जो अप्लाई किए जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वही जो टारगेट वेरिएबल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में जो कि हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, फिर लॉजिस्टिक फंक्शन, अच्छा दूसरा लिख देता हूँ मैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट
वेरिएबल। अगला है आपका, थर्ड वाला है आपका लॉजिस्टिक फंक्शन। लॉजिस्टिक फंक्शन क्या है कि द फॉर्मूला यूज टू रिप्रेजेंट हाउ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स रिलेटेड टू वन अनदर। किस तरीके से जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो ये उसका लॉजिस्टिक फंक्शन हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया कि ये एक दूसरे से जो इनपुट है और आउटपुट है वो किस एक दूसरे से किस मतलब रिलेशन से एक दूसरे से मैप कर रहे हैं। ठीक है, सो द लॉजिस्टिक फंक्शन ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट वेरिएबल इन टू द प्रोबेबिलिटी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। जो लॉजिस्टिक फंक्शन है वो क्या करेगा, इनपुट को जो भी इनपुट देंगे हम उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देगा, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देगा जो कि होगा 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स लाइकलीहुड टू डिपेंडेंट वेरिएबल बींग 1 एंड 0। और फिर बाद में यही चीज है, बाद में हम अगले उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको 0 और 1 की फॉर्म में डिस्क्रीट वैल्यू के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको, जो कि ये दिखा रहा होगा कि ये है या नहीं है। ओड्स, ये जो फोर्थ टर्मिनोलॉजी है वो है ओड्स। इट इज द रेशियो ऑफ समथिंग अकरिंग टू समथिंग नॉट अकरिंग। ये रेशियो है कि कुछ हो गया समथिंग जो कि होता है अकरिंग, और कुछ जो नहीं होता है समथिंग नॉट अकरिंग। कहते हैं ना कुछ कुछ होता है तो वो वाला पार्ट आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, कुछ कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ नहीं होता है वो वाला पार्ट आ जाएगा नीचे। ठीक है, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, एज प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ समथिंग अकरिंग टू एवरीथिंग दैट कुड पॉसिबली अकर। तो मतलब प्रोबेबिलिटी तो वो हो जाता है ना यार कि कुछ होता है, कुछ कुछ होता है तो ऊपर वाला, और नीचे वाला सब कुछ होता है तो वो नीचे वाला। गाना है ना, टोनी कक्कड़ का है भाई। सो इसे कहते हैं हम ऑड्स। फिर आता है लॉग ऑड्स। अगला जो बजवर्ड है वो लॉग ऑड्स हो गया, जिसको हम लॉजिस्टिक फंक्शन, इसे हम एज ए लॉजिस्टिक फंक्शन के लॉजिट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, सॉरी लॉगिट बोल रहा हूँ, लॉगिट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं लॉगिट फंक्शन। इट इज नेचुरल एल्गोरिदम, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ ऑड्स। ये क्या है, ऑड्स का नेचुरल वो है, लॉगरिदम है। ठीक है, इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन द लॉग ऑड्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर मॉडल्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरसेप्ट। तो ये क्या करता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो लॉग ऑड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उनको मॉडल करता है, किसके एज ए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मॉडल हो जाते हैं किसके एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको अपन वो कर देते हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन तो पता है ना यार, वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कोई भी वेक्टर है जो आउटपुट होता है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन x1 + v2 x2 अप फॉर वी वेक्टर, फॉर एनी इट कैन बी स्केलर और इट कैन बी वेक्टर आउटपुट कैन बी। सो उनका और इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल और जो आपका इंटरसेप्ट है उन दोनों का ये बना देता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। फिर अगला आपका कॉफिशियंट, कॉफिशियंट है आपका, यार कॉफिशियंट तो सबको पता ही होगा। सपोज सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे ए एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स वेरिएबल है और ए इसका कॉफिशियंट है, ये इसकी पावर है। द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स एस्टिमेटेड पैरामीटर्स शो हाउ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो ये एक्चुअली एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं जो ये दिखाते हैं कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। सो उसके लिए जो उसका पैरामीटर है वो कोफिशियंट को दर्शाता है। फिर
फिर से बता रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जो मॉडल में मॉडल्स एस्टिमेटेड पैरामीटर्स, सो दीज आर द एस्टिमेटेड पैरामीटर्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स। मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि पैरामीटर है बेसिकली, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से कैसे रिलेट हो रहे हैं उसको दिखाता है, उसको शो करता है। अगला जो अपने पास में टर्मिनोलॉजी है वो इंटरसेप्ट है, जो मैंने लॉग उसमें भी यूज़ किया, लॉग ऑड्स में भी यूज़ किया है, इंटरसेप्ट के बारे में मैंने बताया है। अ कॉन्स्टेंट टर्म इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल विच रिप्रेजेंट्स द लॉग ऑड्स व्हेन ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन किसका किसका है, डिपेंडेंट एंड प्लस इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट बेसिकली लॉग ऑड्स को रिप्रेजेंट करता है, कब, जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन पूरे का जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया, अगर सारे इनपुट वेरिएबल्स जीरो हैं, तो ये इंटरसेप्ट काम आता है, ठीक है। सो उस टाइम पे जो इंटरसेप्ट ही है वही लॉग ऑड्स हो जाएगा, लॉजिक लॉजिक फंक्शन हो जाएगा एक तरीके से, या लॉग ऑड हो जाएगा, इसको मैं लॉग ऑड बोलता हूँ, ठीक है। सो लॉग ऑड क्या है, समथिंग कुछ कुछ होता है डिवाइडेड बाय सब कुछ होता, वो सॉरी डिवाइडेड बाय एवरीथिंग दैट कैन बी वो सॉरी। सो लॉग आउट इसको ये कह देते हैं कि भाई लॉजिस्टिक फंक्शंस हैं जो कि इसको एक ये बनाता है, नेचुरल वो है, नेचुरल लॉगरिदमिक है, ठीक है, ओड का नेचुरल लॉगरिदमिक है, ठीक है। सो फिर लास्ट में है मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन, लास्ट का जो बज वर्ड है वो है मैक्सिमम लाइकलीहुड, लाइकलीहुड एस्टिमेशन। सो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन बताता है द मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द कोफिशिएंट्स ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। वो मेथड जो कि यूज आता है एस्टिमेट करने में, जो कोफिशिएंट्स है ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के, उनको एस्टिमेट करने के काम में आता है। तो कोफिशिएंट्स जो ऊपर मैंने बताया, जो पैरामीटर्स है जो उनके रिलेशंस को दर्शाते हैं, सो उनके कोफिशिएंट्स को, उनके जो कोफिशिएंट है उनके बारे में बताने के काम में आता है, ठीक है, उसको एस्टिमेट करने में यूजफुल है, ठीक है। सो बता देता हूँ कि ये किसको दर्शाता है, कोफिशिएंट को एस्टिमेट करने के लिए, कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये मैक्सिमाइज करता है लाइकलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा गिवन द मॉडल। ये मैक्सिमाइज करता है कि जो लाइकलीहुड जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डेटा को एक गिवन मॉडल के ऊपर, उसे वो मैक्सिमाइज कर देता है, इसीलिए इसको मैक्सिमाइज लाइकलीहुड एस्टिमेशन भी बोलते हैं। एस्टिमेशन द कोफिशिएंट व्हाट वी आर सीकिंग फॉर, और मैक्सिमाइज लाइकलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा, जो डेटा है उसको जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं गिवन मॉडल के लिए, उसके लिए ये टर्म यूज हुआ है, ठीक है। सो ये इसके बजवर्ड्स हो गए। तो अब जैसे ही ये चीज आए, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन आ गया या कुछ और आ गया, तो उसको हम वहां पर देखेंगे, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डज लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क, लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कैसे करता है। सो हाउ डज लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क, ये काम कैसे करता है, ठीक है। सो हाउ डज इट वर्क, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रांसफॉर्म द लीनियर रिग्रेशन फंक्शन कंटिन्यूअस वैल्यू आउटपुट इनटू कैटेगोरिकल वैल्यू आउटपुट यूजिंग अ सिग्मॉइड फंक्शन। सो मैं एक लिख देता हूँ, ठीक है, ये अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये मॉडल एक, ठीक है, ये जो लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, आउटपुट जनरेट किया, ये फंक्शन है, लीनियर रिग्रेशन फंक्शन है, इसने एक आउटपुट जनरेट किया, क्या आउटपुट जनरेट करेगा, कंटिन्यूअस वैल्यूज को, कंटिन्यूअस वैल्यूज को जनरेट किया, और फिर इसके अंदर वो कंटिन्यूअस वैल्यूज गई, कंटिन्यूअस वैल्यूज को इसने ट्रांसफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ सिग्मोइड फंक्शन, सिग्मोइड फंक्शन को यूज किया, और इसने क्या जनरेट कर दिया, आउटपुट।
और ये आउटपुट किस फॉर्म में होंगे, वन और जीरो या फिर वॉट एवर फॉर्म, ठीक है। इसने एक आउटपुट जनरेट कर दिया वन और जीरो और वन की फॉर्म में, एंड ठीक है इस पूरे मॉडल ने। अच्छा, इसके अंदर एक है लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक फंक्शन, ठीक है। तो जो लॉजिस्टिक फंक्शन है वो जीरो और वन के बीच की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करेगा, जीरो और वन की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। फिर हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैं इसके एक एक इंडिपेंडेंट इनपुट्स और एक एक चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि वो काम कैसे करता है, क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इनपुट्स फीचर्स और क्या है उसका आउटपुट फीचर। सो सबसे पहले है इनपुट। इनपुट में हम दे रहे हैं एक्स, हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर एक वेक्टर की फॉर्म में भी दे सकते हैं कि 11 11 से लेकर हो गया 1m, और 1 2 1 से लेकर हो गया 2m, फिर बाद में n1 से लेकर हो गया nm तक। ये इनपुट हो गया जो कि इंडिपेंडेंट फीचर्स है, इंडिपेंडेंट इनपुट फीचर्स, ओके। ये हो गया अपना x। अब अपना y क्या है, y है अपना दो क्लास जीरो और वन। सो जीरो तब आएगा जब हम क्लास वन में काम कर रहे हैं, और वन तब आएगा जब क्लास टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हैविंग ओनली बाइनरी वैल्यू जीरो और वन। देन अप्लाई द मल्टी लीनियर फंक्शन टू द इनपुट वेरिएबल एक्स। सो हम मल्टी लीनियर जो फंक्शन है उसको हम एक्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। सो वो है मल्टी लीनियर फंक्शन है जेड इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू वन से ले सॉरी सिग्मा आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक है, और इसके अंदर हमारा वेट वेट मैट्रिक्स हो गया, और ये एक्स आई हो गया, जितने भी एक्स आई हैं इन सब को हम समेशन करेंगे और उसको प्लस कर देंगे बी से। तो इसको बोलते हैं मल्टी लीनियर फंक्शन। जो मल्टी लीनियर फंक्शंस हैं उसके अंदर हमने इसको तब्दील कर लिया, वो अपना हो गया जेड, ठीक है। हेयर एक्स एक्स आई इज द आईथ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स, हर एक जो रो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो एक्स हो गया रो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो इसको मैं आईथ रो ऑब्जर्वेशन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और डब्ल्यू आई हो गया यहाँ पर वेट, डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एम इज द वेट और कोफिशियंट भी बोल सकते हैं, इसको बोल देता हूँ मैं वेट या फिर कोफिशियंट, ओके। ये वेट या कोफिशियंट हो गया अपना। फिर है आगे अपना बी से बायस, सो ये हो गया बी से बायस, ठीक है। सो इसे अपन दूसरे टर्मिनोलॉजी में इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। इंटरसेप्ट मान लीजिए कि सब कुछ जीरो है, तो इंटरसेप्ट ही वो पॉइंट होगा जहाँ से अब मैं बात कर रहा था, वहाँ की लॉग फंक्शन की लॉग ऑड्स की बात कर रहा था ना। सो ये हो गया। सिंपली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड बायस। सो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जेड इक्वल टू डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी। तो ये वेट हो गया, वेट एक्स इनपुट जो भी हम दे रहे हैं प्लस बी। सो इसे ही मल्टी लीनियर इसे हम मल्टी लीनियर लीनियर फंक्शन, ठीक है। सो ये हो गया आपका, ये सब बातें मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन में पढ़ाया था, ठीक है। मैंने वहां पर भी आपको ये सब बातें बताई हैं। अब है अपना अगला सिग्मॉइड फंक्शन। अब मैं आगे बताऊंगा, ये तो क्या हो गया अपना कि इनपुट आउटपुट के बारे में बता दिया मैंने। अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको यूज किया था सिग्मोइड फंक्शन को। सिग्मोइड फंक्शन क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए, सॉरी गाइस थोड़ी सी, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से ये है। और अगर आपको इसके अंदर ये फंक्शन मतलब फंक्शन ड्रॉ करना है कि किस तरीके से आपका सिग्मोइड फंक्शन होता है, तो वो हो गया आपका कुछ इस तरीके से कि मान ले ये आपकी एक वो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है आपकी 0.5, ठीक है।
तो सिग्मोइड फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। मैं आपको डेसमोस में ये बना के दिखाता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि सिग्मोइड फंक्शन को हम इससे डिनोट करते हैं जेड, इसके अंदर एज ए इनपुट हम जेड देंगे, जो भी ये मल्टी लीनियर फंक्शन है, ओके। और फिर बाद में 1 + एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जेड, ठीक है। मैं ये बना देता हूँ, मैं बना के दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। y इक्वल टू 1 / एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस z। ये आपका हो गया सिग्मोइड फंक्शन। तो ये देखिए, आप 0.1 से ये वो कर रहा है, ठीक है। तो 0.1 को टच करके, सॉरी 0.5 को टच करके जा रहा है, जब इसकी वैल्यू 0 है। तो 0 होगी तो उस टाइम पे 0.5 को टच करके जा रहा है, जब जेड की वैल्यू 0 होगी, और बाकी केसेस में इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है सिग्मोइड फंक्शन का। अब आप कहोगे कि सिग्मोइड फंक्शन क्या काम आता है। सबसे पहले तो बता देता हूँ, इट इज अ स्मूथ एस शेप्ड कर्व दैट मैप्स एनी रियल वैल्यूड इनपुट टू अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज है, उस रियल वैल्यूड जो इनपुट होता है ना, कोई भी रियल वैल्यू, अब आप जेड की कोई भी वैल्यू दे दो यहाँ पर, वो आप देखिए 1 से लेकर 0 तक के बीच में ही वेरी कर रहा है, 0 और 1 के बिटवीन ही वेरी कर रहा है, ठीक है। ये कहीं और जा ही नहीं रहा, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। इस फंक्शन का काम ही ये है कि जेड की अब मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स। मैंने यहाँ पर ये कर दिया, सपोज इसको बंद कर देता हूँ, है ना। अगर मैं इसकी कोई भी वैल्यू लूँ जेड की इस टाइम पे, इसकी जो वैल्यू डिफर हो रही है वो हो रही है इसकी फॉर्म, ठीक है। ये आपका 0 और 1 की बिटवीन ही इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। एक्स जेड की कोई भी वैल्यू, ये वाई के में 0 और 1 के बिटवीन मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। आपको ये समझ में, इससे ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज शोन अबो इन दिस फिगर, वी कैन सी दैट सिग्मोइड फंक्शंस कन्वर्ट द कंटिन्यूअस वेरिएबल, जो भी कंटिन्यूअस वेरिएबल हमें यहाँ पर मिले हैं, हमने जितने भी कंटिन्यूअस वेरिएबल, अब देखिए मैं कंटिन्यूअस वेरिएबल दे रहा हूँ यहाँ पर, 0.8 भी आ रहा है, 7.4 भी आ रहा है, 6.7 भी आ रहा है, जो भी वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ये इसको 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है। यार मैं इसकी कितनी वैल्यू दूँ, अगर मैं इसकी रेंज यहाँ से बढ़ा भी देता हूँ, सपोज मैं इसको कर देता हूँ 100, है ना, और इसको कर देता हूँ माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब भी इसकी वैल्यू इसके बिटवीन वेरी कर रही है, ओके। इस टर्म में भी इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बिटवीन ही वेरी करेगी। ये क्या कर रहा है ना, कि ये 0 और 1 क्या है, 0 और 1 के बिटवीन क्या कर रहा है, ये एक प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहा है। 0 और 1 यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहा है। अगर ये जो पर्टिकुलर जेड है, अगर मैं इसको इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊं तो ये 1 दिखा रहा है अपनों को इसका आंसर, और अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊं तो ये 0 दिखा रहा है ना। देखिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ, अब ये तो देखिए 10,000 ही है, लेकिन मैं इसको माइनस इन्फिनिटी ले जाऊं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। लिख देता हूँ गाइज मैं इसको। तो इसकी एक खासियत है कि अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब z टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी,
जेड टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। और लेकिन इसकी जो वैल्यूज है वो ऑलवेज बाउंड रहेगी जीरो से लेकर वन तक के बीच में, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जाएगी। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ क्लास कैन बी मेजर्ड एज, हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास कैसे मेजर करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू वन, सो दिस इज इक्वल टू ये, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, सो दिस इज इक्वल टू वन माइनस ये, ठीक है। सो वन की प्रोबेबिलिटी तो ये सीधा सीधा ये हो गया, और जीरो की प्रोबेबिलिटी वन माइनस ये हो गई। ये हमें पता ही है, ये तो हमें पता ही, सक्सेस और फेलियर के बारे में प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने बहुत पढ़ा है। सो लॉजिस्टिक लीनियर इक्वेशन रिग्रेशन की जो इक्वेशन है, द ऑड्स इज द रेशियो ऑफ समथिंग अकर टू समथिंग नॉट अकर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, इसका टॉपिक का नाम मैं अगलेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन कैसे काम करती है उसको देखते हैं, ठीक है। सो ऑड क्या है अपना, मैंने आपको बताया था व्हाट इज ऑड, समथिंग कुछ कुछ होता है, समथिंग अगर कुछ कुछ नहीं होता है, डिवाइडेड बाय समथिंग नॉट हैपन, नॉट अकरिंग, लिख देता हूँ। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एज द प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ समथिंग अकरिंग टू एवरीथिंग दैट कुड पॉसिबल अकर। सो ऑड विल बी पी एक्स समथिंग अकर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग और वन माइनस पी एक्स समथिंग विच इज़ नॉट अकरिंग। सो ये हमारा ऑड हो गया और इट इज़ इक्वल टू ई की पावर जेड, ओके। सो सीधी सी बात है, सक्सेस अपॉन फेलियर मैं बोल सकता हूँ इसको। अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन ऑड देन लॉग ऑड विल बी, अगर मैं इसके ऊपर ऑड के ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाई कर दूँ, सो इट विल बी लॉग ऑड, बिकॉज इफ आई डू सो इट विल बी लॉग ऑड, सो हियर ऑल्सो आई विल अप्लाई, सो ये इससे कट जाएगा और जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में लॉग पी एक्स वन माइनस, ओके। एंड अगेन जेड तो हमें पता ही था, ऊपर मल्टी लीनियर से हम निकाल के लाए थे, वो हमारा ये होता ही है, ठीक है। सो ये मैं दोनों को इक्वल रख कर दूंगा, लॉग पी एक्स वन माइनस पी एक्स, ठीक है। देन द फाइनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन विल बी, जो आपकी फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि पी एक्स, जहाँ पर आपके बी एंड डब्ल्यू इंटरसेप्ट और वेट दिए हुए हैं, सो वो देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और उसकी वैल्यूज फिर बाद में नीचे आएंगी, तो कैसे बदल जाएगा ये ई डब्ल्यू, ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ना, डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी, ओके, डिवाइडेड बाय, जब ये इधर चला गया ये किससे डिवाइडेड हो रहा है, वन प्लस ई डब्ल्यू एक्स प्लस बी, एंड इट इज ऑल्सो वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू वन प्लस ई डब्ल्यू एक्स प्लस बी, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, वन प्लस ई माइनस जेड, ओके। सो दिस इज ऑफ प्रॉपर्टी पी एम डब्ल्यू की फॉर्म में, जेड अपना को पता है इसको हम जेड बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन, सो आपको ये समझ में आया आई थिंक सो, ओके। सो दिस इज ओनली द लॉजिस्टिक लीनियर इक्वेशन, इसकी प्रॉबर्टी हमें निकालनी होती है इस फॉर्म में, ये हमारे पास है लॉजिस्टिक लीनियर इक्वेशन और इसकी प्रॉबर्टी यू नीड टू फाइंड। हाउ, आप पूछोगे कि यार ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके अंदर से कॉमन ले लो, ये वाला पार्ट कॉमन ले लो, तो ये वाला तो कॉमन आ जाएगा, इधर से वन हो जाएगा और इसमें माइनस में ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये है, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। फिर अगला जो है वो है आपका लाइकलीहुड फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक
regression. लाइकलीवुड फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, ठीक है. सो लाइकलीवुड फंक्शन क्या हो गया कि ये देखने के लिए कि जो गिवन डेटा है आपका, या मतलब कोई भी एक मेजर है, एक तरीके से वो क्वांटिफाइज करता है कि जो मतलब हाउ वेल द डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स द डेटा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना फिट कर रहा है डेटा के अंदर, ठीक है. जो अपना गिवन डेटा है उसके अंदर वो कितना फिट कर रहा है. द प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज विल, जो प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी है पी एक्स की इन दोनों के ऊपर, इट विल बी पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फॉर वाई इक्वल टू वन जब क्लास वन है, और वाई इक्वल टू जीरो के लिए ये हो जाएगी वन माइनस पी एक्स फॉल्स. सो फॉर वाई इक्वल टू जीरो. ओके. सो मैं बताना चाहूँगा कि लाइकलीहुड फंक्शन है वो इस तरीके से बायस और वेट के ऊपर इस तरीके से होगा कि दिस फ्रॉम आई इक्वल टू वन एन पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वाई आई, ओके, मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस पी एक्स आई वन माइनस वाई आई. सो ये हो गया आपका लाइकलीहुड. सो आई होप आपको ये समझ में आया. कोई डाउट है तो आप कमेंट करें. अब हम क्या ले लेंगे, इसका दोनों तरफ से लॉग ले लेंगे, लॉग नेचुरल ले लेंगे, ठीक है. इसका हम दोनों तरफ से ले लिए लॉग नेचुरल, क्योंकि लॉग ऑड बनाना है मेरे को. लॉग ऑड के लिए हमने लॉग नेचुरल ले लिया, इधर भी ले लिया. तो जब इधर लिया तो हमें बताया कि लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, ये हमें पता है. ये चूंकि ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि यार समेशन ऑफ आई से लेकर वन तक, और ये पूरा हो जाएगा ये वाई आई, क्योंकि लॉग है तो नीचे आ जाएगा उसकी वजह से, और यहाँ पर लग जाएगा लॉग पी एक्स आई. अब आप कहोगे भाई एन कहाँ गया, तो ये आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक हो रहा था, सॉरी एन तक हो रहा था, नहीं तो ये अब आई इक्वल टू वन से लेकर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब समेशन हो गया इसका, ठीक है. ये यहाँ नहीं था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये था ये, ठीक है. ये हो गया. फिर प्लस, अब इसी तरीके से ये पहले लॉग की वजह से वन माइनस वाई आई पहले आ जाएगा इंटू लॉग वन माइनस पी एक्स आई, ठीक है. समझ में आया. अब अपना आगे, अब आगे जो है वो ये है कि भाई जब ये अंदर जाएगा लॉग वाला पार्ट अंदर जाएगा इसके अंदर और इसके अंदर, तब मतलब क्या होगा. समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन एन वाई आई, और ये हो जाएगा लॉग पी प्रोबेबिलिटी एक्स आई प्लस यहाँ पर भी लग जाएगा आपका लॉग, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में एक तरीके से देखो आगे या पीछे है तो एक तरीके से मल्टीप्लाई में. यहाँ पर ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है. ये वाला टर्म माइनस में तब्दील हो गया क्योंकि ये अंदर चला गया, ये एक बार वन सॉरी ये वन इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस आई एक बार पूरे इसके साथ में होगा. लॉग वन माइनस पी एक्स आई पूरे के साथ में मल्टीप्लाई हुआ माइनस वाई आई लॉग वन माइनस पी एक्स आई. अब देखिए ये वाला और ये वाला कॉमन नजर आ रहा है. पहले तो मैं एक ये माइनस वाले टर्म है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ यार, इसको और इसको साथ में लाकर, इसको और इसको साथ में ले आता हूँ. देखो कटेगा तो नहीं, क्योंकि एक जैसा तो पूरा तो एक जैसा नहीं है, लेकिन इसको साथ में ले आता हूँ, साथ में ले आता हूँ. तो ये पहले लिख लेता हूँ वन माइनस पी एक्स आई, ठीक है. और यहाँ से इसमें से वाई आई कॉमन हो गया इन दोनों में से, और ये चूंकि साथ में आए और बीच में माइनस का निशान था तो इसको तो प्लस कर देता हूँ, बीच में माइनस का निशान था इसीलिए वो डिवाइड में चले जाएंगे, हो जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, ठीक है. ओके. ये तो हमें पता ही है कि क्या है, मतलब लॉगरिथमिक ऑफ पी एक्स आई, और ये कुछ नहीं जेड है,
ये हमने पढ़ा ही था कि ये जेड होता है, लॉग ऑफ ये कर देंगे तो ये जेड हो जाएगा, ये जेड के इक्वल है, ऊपर देखा ही था आपने। सो अगेन एन से लेकर लॉग 1 माइनस पी एक्स आई प्लस वाई आई, ये हो गया जेड। और जेड इक्वल टू हमें पता ही है कि एक्स डॉट डब्ल्यू प्लस बी है हमारे पास जेड। सो यहाँ पर चूंकि ये एक्स आई है, सो इसके रेस्पेक्ट में जेड आई रख देता हूँ और फिर इसका एक्चुअली अलग अलग समेशन कर देता हूँ मैं। तो एक समेशन तो ये हो गया लॉग 1 माइनस पी जितने भी ये हैं, और दूसरा समेशन आपका, अच्छा इसको भी मैं अंदर कर दूँ क्या, इसके लिए भी मैं अंदर चला जाता हूँ, जाइए इसके लिए भी लॉग 1, ये मैं अंदर चले जाऊंगा और इसके लिए भी लॉग पी एक्स आई हो जाएगा। सो जब लॉग पी एक्स आई होगा तो वो इक्वल है इसके, इसके लिए भी मैं लिख ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा -log 1 - e WiXi+b, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ यार। और यहाँ पर भी हो जाएगा समेशन ऑफ आई से लेकर 1 तक YiWiXi+b, ठीक है। WI तो नहीं लिखूंगा क्योंकि W अपने आप में एक मैट्रिक्स है, सो ये लिखना सही नहीं होगा। तो एट लास्ट मैं इसको लिख दूंगा I-log 1+e WXi+b+i=1 एंड ये XI+b। सो ये आपका हो गया, ये पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है इसे हम कहते हैं लाइकलीहुड फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो इसे ही मैं कहूँगा लाइकलीहुड फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दिस इज LBW, इज इक्वल टू लॉग लॉग ऑफ लाइकलीहुड फंक्शन। सो लॉग ऑफ लाइकलीहुड फंक्शन इस तरीके से, सो लॉजिस्टिक फंक्शन का लाइकलीहुड फंक्शन होगा, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे मैं बताऊंगा ग्रेडियंट ऑफ लाइकलीहुड। ओह, मेरा तो बीटेक में रोल नंबर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू टेक ग्रेडियंट ऑफ दिस लॉग लाइकलीहुड फंक्शन। सो इस लॉग लाइकलीहुड फंक्शन की ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। सो ग्रेडियंट निकालने का वैसा वही है, ग्रेडियंट होता कैसा है, क्या है एक बार तो कि उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू मतलब एक वेरिएबल के और फिर बाद में दूसरे वेरिएबल के। तो पहले सबसे पहले हम अपन विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया इस जे फंक्शन को जो कि लॉस फंक्शन है अपना, और इसका मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू ये, और माइनस ले लिया ने बाहर, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। आई इक्वल टू एन, सॉरी 1 से लेकर n तक, और इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा ना यार गाइज, तो ये हो जाएगा 1/1 + e की पावर WXi+b, और ये हो जाएगा e की पावर यहाँ पर WXi+b। देख ये इसका हो जाएगा 1 + ये वाला, ठीक है, नीचे चले जाएगा और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और फिर XiZ ये इसका आगे है ही, प्लस सिग्मा ऑफ i=1 से लेकर n YiXiZ, ठीक है। सो इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूँ, देखो ऊपर वाले से मैं वहाँ ऊपर वाले में मैंने बताया था कि ये वाला जो टर्म है हो जाएगा -i=1 वन से लेकर कहाँ आ गया भाई, इक्वल टू 1 से लेकर, सॉरी वीडियो खराब हो गई हो जी। सो ये हो गया अपना सिग्मा i=1 से लेकर
ये माइनस बाहर आ गया, और इसको मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई ऊपर से यो आई जे, ये वाला जो टर्म है वो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, ठीक है। जब आपके ये दो पैरामीटर्स हैं प्लस ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा समेशन ऑफ आई वन से लेकर, सो आई वाई आई एन जे, ठीक है। सो ये हो गया आपका ये, और लास्ट में मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ समेशन ऑफ ये सॉरी वन से लेकर एन तक वाई आई और ये माइनस पी एक्स आई बी डब्ल्यू मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला जो टर्म है भूल जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर एक्स आई जे, ठीक है। सो ये मेरा तब है जब मैं इसके डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में करूँगा तो बी वाला जो टर्म है वो गायब हो जाएगा, तो ये तब है जब डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से अपन इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। सो अब ये है कि अजम्पशंस फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, मैं कुछ अजम्पशंस हैं जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हैं, अजम्पशंस फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जो अजम्पशन है तो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस, ईच ऑब्जर्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स मीनिंग देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एनी इनपुट वेरिएबल, दो जो इनपुट वेरिएबल है उनका एक दूसरे से कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पहली बात, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है दो वेरिएबल इनपुट वेरिएबल उनका कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा है बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट टेक्स द अजम्पशन दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स मस्ट बी बाइनरी, और मतलब एक से ज़्यादा या दो ही वैल्यू होनी चाहिए, या तो जीरो या तो वन। सो फॉर मोर देन टू कैटेगरीज सॉफ्ट फंक्शंस आर यूज्ड, अगर एक से दो से ज़्यादा कैटेगरीज की बात की जाए तो वहाँ पर सॉफ्ट फंक्शंस यूज किए जाते हैं। सॉफ्ट फंक्शंस, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है ना, सॉफ्ट मैक्स फंक्शंस कैन बी यूज्ड। फिर है लीनियरिटी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड लॉग ऑड्स, जो रिलेशनशिप है लॉग ऑड्स का, लॉग ऑड्स हो गया और एंड अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। इनके अंदर जो है वो लीनियर होना चाहिए, तो जो रिलेशनशिप है इन दोनों का वो लीनियर होना चाहिए। सो ये हो गया अपना फोर्थ, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कोई भी डेटा के अंदर आउटलायर नहीं होना चाहिए, नो आउटलायर, ठीक है। फिफ्थ वन लार्ज सैंपल साइज, सो जो सैंपल साइज है वो लार्ज होना चाहिए, वो लार्ज होना चाहिए, तो ये अजम्पशन है तभी अच्छे से काम करेगा, कहने का मतलब ये। अब है टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टाइप्स हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला है बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सो सबसे पहले है बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसको मैं एलआर बोल दूंगा यार अब से। सो टारगेटेड वैल्यू कैन हैव ओनली टू पॉसिबल वेरिएबल्स जीरो एंड वन, विच मे बी रिप्रेजेंट विन और विन वर्सेस लॉस, पास वर्सेस फेल, डेड वर्सेस अलाइव, एटीसी। इन दिस केस सिग्मॉइड फंक्शंस आर यूज्ड, व्हिच इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सो फार, ओके। फिर है अपना दूसरा जो है वो है मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मल्टीनोमियल एलआर, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो इसके अंदर मतलब टारगेटेड वेरिएबल तीन या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, विच आर नॉट ऑर्डर्ड बेसिकली, लाइक डिजीज ए वर्सेस डिजीज बी, बी वर्सेस डिजीज सी, कौन सी क्लास है। इन दिस केस सॉफ्ट मैक्स फंक्शन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन, सो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है फॉर एक्स क्लासेस विल बी, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन लिख देता हूँ
और एक्स आई के लिए सिग्मॉइड फंक्शन का था ये वाला, और सॉफ्ट एक्स फंक्शन का है ये वाला। इसके अंदर हो जाएगा जेड आई और ए वन से लेकर ए तक, ठीक है, ये हो गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी वाई, सॉरी वाई इक्वल टू सी, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, ठीक है, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये है एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू वन से लेकर के तक ई डब्ल्यू एक्स प्लस बी। सो ये देखो जेड यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज इट। इन मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन द आउटपुट वेरिएबल कैन हैव मोर देन टू पॉसिबल डिस्क्रीट आउटपुट। सो दैट्स इट। फिर अगला है अपना ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो इट डील्स विद द टारगेट वेरिएबल्स विद ऑर्डर्ड कैटेगरी। ऊपर वाले की जो थी वो कैटेगरी ऑर्डर्ड नहीं थी, यहाँ पर ऑर्डर्ड है, मतलब ऑर्डिनल का मतलब ही ऑर्डर्ड है। जैसे वेरी पुअर, पुअर गुड, वेरी गुड हो गया, ठीक है, या फिर किसी को स्टार रेटिंग देनी है, सो जैसे 0, 1, 2, 3, तो ये हो गया। सो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट दिस। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।